मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 और गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर का एक पार्ट जिसका शीर्षक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जो कि हमारी हम दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सभी कक्षाओं में विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग भाषा के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो इसे किसी क्लास की परिसीमा में या लिमिटेशंस में सीमित क्षेत्र में बांध देना बड़ा ही असंभव है। अब विराम चिन्हों को समझने से पहले ये समझ लेना आवश्यक है कि इनका प्रयोग हम कर क्यों रहे हैं, इनकी आवश्यकता क्या है इनको सीखने की जानने की, यदि इनका प्रयोग हम ना करेंगे तो क्या होगा। तो उसके लिए हम एक उदाहरण लिख सकते हैं। आपको पता है ट्रैफिक लाइट आप सबने देखी है, सिग्नल पे वो ट्रैफिक साइन हमने देखा है। ट्रैफिक लाइट हमें कुछ बात को निर्देशित करती है, उसमें तीन रंग आपने देखे लाल हरा और पीला, तो वो आपको क्या बताते हैं, अलग अलग रंग एक बात का संकेत देता है कि आपको कहाँ रुकना है। लाल रंग आता है आप रुक जाते हैं, हरा रंग आता है आप चल देते हैं, पीला रंग आपको बताता है कि आप रेडी होना है तैयार होना है। तो इस प्रकार से ये रंग आपको क्या बता रहे हैं कि आपको किस प्रकार आगे चलना है रुकना है। तो जिस प्रकार ये ट्रैफिक लाइट आपको क्या देती है, दिशा निर्देश देती है, गाइडेंस देती है कि कहाँ आपको रुकना है कब चलना है ट्रैफिक में, उसी प्रकार भाषा में आपको कहाँ रुकना है कैसे चलना है कब थोड़ा विराम लेना है वो सब बताते हैं ये विराम चिन्ह। विराम चिन्ह ट्रैफिक लाइट की ही भांति काम करते हैं। ट्रैफिक लाइट ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, उसे रोकती है, बताती है, दिशा निर्देश देती है, उनके प्रयोग पर आधारित है। और यहाँ पर विराम चिन्ह उसी भाषा को किस प्रकार प्रयोग करना है, लिखते समय आपको कहाँ रुकना है कितना रुकना है और कब चलना है, ये विराम चिन्हों का काम है। विराम चिन्ह शब्द से पता चलता है विराम यानी रुकना, ठहराव, जहाँ रुकने का चिन्ह होता है वह विराम चिन्ह होता है, शब्द से पता चल रहा है। परंतु ये कब रुकना है कितना रुकना है ये अलग अलग चिन्ह से हम जानेंगे। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, कुछ सामान्य से चिन्हों की चर्चा कुछ चिन्हों की हम यहाँ करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य और चिन्ह हैं जो कि हम पढ़ेंगे आगे की कक्षाओं में, आगे के मॉड्यूल्स में। यहाँ पर हमने 10 विराम चिन्ह लिए हैं। तो सबसे पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। अब इन विराम चिन्हों के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है, उसके लिए मैं एक उदाहरण आपको बताती हूँ। एक वाक्य हम यहाँ लिखते हैं, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं हमने एक वाक्य लिख रहे हैं, रुको मत जाओ। अब इस वाक्य को अगर मैं पढूं, रुको मत जाओ, समझ नहीं आ रहा है तात्पर्य, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है रुको मत जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूं। तो यहां हम क्या काम करते हैं, विराम चिन्ह लगाते हैं और फिर उनको पढ़ते हैं। यहां मैंने लगा दिया कॉमा और पूर्ण विराम, यानी कि आपका अल्प विराम और पूर्ण विराम। तो अब पढ़ने में हम किस प्रकार पढ़ पा रहे, रुको मत जाओ, यानी कि मैं कह रही हूं रुको जाओ मत, रुकने के लिए कह रहे हैं, जाने से मना कर रहे हैं, रुको मत जाओ, क्लियर। अब अगर इसी वाक्य में मैं यहां से इस अल्प विराम को हटा दूं और यहां लगा दूं, तो हम इस वाक्य को किस प्रकार पढ़ेंगे, रुको मत जाओ, यहां रुको मत जाओ, पहले में रुको कह रहे थे रुकने के लिए कह रहे थे और मत जाओ जाने से मना कर रहे थे, बट यहां पर एक ही चिन्ह के बदलाव से अब हम क्या कह रहे हैं, रुको मत, रुकने को मना कर रहे हैं और जाने के लिए कह रहे हैं। तो इस एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हो कि एक अल्प विराम ये छोटा सा चिन्ह किस प्रकार आपके उस पूरे वाक्य का तात्पर्य ही बदल के रख देता है। इसलिए आपके लिए भाषा के प्रयोग को
सही प्रकार से जानने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग समझना बहुत ही आवश्यक है। तो इस श्रृंखला में पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, प्रयोग करना हमने सीखा है पहली दूसरी कक्षाओं से, जब हम लिखते हैं किसी भी वाक्य को उसके अंत में लगाते हैं। पूर्ण विराम इस बात का संकेत है कि हमारा वाक्य पूरा हो चुका है। अल्प विराम, जब हम वाक्य में एक से अधिक नामों को लिखते हैं, जैसे हमने कहा माँ ने बाजार से फल अनाज और सब्जियां खरीदे, तो फल और अनाज के बीच हम क्या लगाएंगे, कॉमा, यानी कि अल्प विराम, एक से अधिक नामों को एक साथ लिखने के लिए। मैं अपने मित्र अनिल, सोहन, रोमा और रीमा से मिली, अनिल, सोहन और रीमा, अनिल और सोहन के बीच क्या लगाए, कॉमा। अब बात आ रही है अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग एक ही वाक्य में किया जाता है और एक वाक्य के अंदर जब उसके दो हिस्से कर दिए जाते हैं, जैसे हमने कहा वह, तो यहाँ पर मैंने कहा वह चतुर है, लेकिन वाक्य पूरा नहीं है, अभी मैं उसके विषय में कुछ और बोलना चाहती हूँ। वह चतुर है किंतु शांत है, इस दशा में बीच में थोड़े समय के लिए रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया है, अर्धविराम के लिए, यानी वाक्य में कुछ देर ठहरने के लिए हम अर्धविराम का प्रयोग कर रहे हैं। अब बात आ रही है प्रश्न सूचक की, जब किसी भी बात को पूछा जाता है तो उसके अंत में लगाया जाता है प्रश्न सूचक चिन्ह। ये तो सबसे सरल होता है, जब भी आप प्रश्न सूचक शब्दों को देखते हैं, क्या, किसका, कौन, ऐसे वाले वाक्यों के अंत में मुख्यतः ये लगाया जाता है। फिर बात करते हैं विस्मय आदि बोधक। विस्मय शब्द से पता चल रहा है आश्चर्य, हैरानी, तो जब कोई ऐसा भाव उत्पन्न हो किसी वाक्य में जिसे देखकर आपके मन में आश्चर्य, हैरानी या शोक का भाव हो, तो विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अरे ये तुमने क्या किया, अरे हाय ये क्या हुआ, हाय, अरे वाह हम तो मैच जीत गए, तो ये हमारी खुशी, हमारे उत्साह और जोश को दर्शाने वाले चिन्हों के साथ, शब्दों के साथ इस विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इस तरफ देखते हैं, यहाँ दिया है पहला चिन्ह योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक से अधिक शब्द को हम जोड़ी स्वरूप यानी युग्म के रूप में प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम वर्ड पेयर या शब्द युग्म भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा दिन रात मेहनत की, कब मेहनत की, दिन रात, तो दिन और रात के बीच में हमने क्या लगाया, यह चिन्ह, जिसे हमने कहा योजक चिन्ह। फिर कई बार ऐसे शब्दों के अलावा योजक चिन्ह का प्रयोग पुनरुक्ति शब्दों के रूप में भी किया जाता है, जब हम एक ही शब्द की पुनरावृत्ति करते हैं, फ्रिक्वेंसी डबल हो जाती है, दो बार इस्तेमाल करते हैं, के चलते चलते, चलते चलते वह तो बहुत थक चुका था, तो एक ही वर्ड, एक ही शब्द को हमने दो बार प्रयोग किया और उसे लिखने के लिए हमने शब्द युग्म के लिए हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया, तो ये योजक चिन्ह का काम है शब्दों को जोड़ना। कई बार सार्थक और निरर्थक शब्दों को जोड़ने के लिए भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः हम बोलचाल में कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग भी कर लेते हैं जिनका कि वास्तव में कोई अर्थ ही नहीं होता, लेकिन क्योंकि वे हमारे शब्द को दूसरे शब्द को पूरा कर रहे होते हैं तो तुकात्मक रूप में हम उनका प्रयोग कर लेते हैं। कई बार हम दूसरे मेहमानों से, आइए चाय पानी पीकर जाइए, नाश्ता वास्ता कर लिया, तो चाय पानी, नाश्ता वास्ता, नाश्ता तो ठीक है, वास्ता क्या होता है, लेकिन हम बोलते हैं, तो इस तरीके के शब्दों को जब लिखते हैं तो उनके बीच में भी हम योजक चिन्हों का ही प्रयोग करते हैं, तो योजक चिन्ह का काम हो गया दो शब्दों को जोड़ना। अब योजक चिन्ह से आगे बढ़ते हैं कोष्टक चिन्ह की तरफ। वैसे तो कोष्टक चिन्ह जो है तीन प्रकार के होते हैं और इनका विशेष रूप से प्रयोग हम अपनी गणित यानी मैथमेटिक्स की कक्षा में करते हैं। ये तीन प्रकार के कोष्टक आप पढ़ते हो मैथ्स में, इन्हें सॉल्व करना, आपको हल करना भी सिखाते हैं, हाँ, तो हिंदी में इन्हें छोटा, मझला और बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, लेकिन भाषा में इन दोनों ब्रैकेट्स यानी इन दोनों कोष्टक का प्रयोग नहीं किया जाता, सिर्फ हम लघु कोष्टक यानी कि छोटा जो स्मॉल ब्रैकेट होता है खाली उसका ही इस्तेमाल
करते हैं। और इस ब्रैकेट यानी कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी शब्द के साथ हम उसका अर्थ भी किसी को प्रदान करना चाहते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि हमारे उस शब्द का तात्पर्य लोगों तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच रहा है, ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, उसके ब्रैकेट में उसके साथ लघु कोष्ठक में उसका अर्थ भी लिख देते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिखा युक्ति। अब युक्ति शब्द से बहुत सारे लोग परिचित नहीं होंगे, तो मैं क्या करूंगी, इसे ब्रैकेट में इसका मीनिंग यानी कि उपाय, युक्ति कोई उपाय तरीका, तो मैंने उपाय ब्रैकेट में लिख दिया, तो इसका अर्थ युक्ति शब्द का लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो यह काम हुआ हमारे ब्रैकेट का यानी कि कोष्ठक चिन्ह का। कोष्ठक चिन्ह से आगे दिया है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार से लिखे गए हैं, यहाँ डबल में है यानी कि दोहरा उद्धरण चिन्ह है, और ये एकहरा उद्धरण चिन्ह है। इन्हें हम इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। इनका प्रयोग हम कब करते हैं, जब किसी शब्द किसी वाक्य में हम किसी के किसी पार्ट का नाम, किसी पोएट कवि या लेखक का नाम, किसी बुक का यानी किसी टाइटल किसी शीर्षक का प्रयोग करते हैं, तो हम उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना केवल नाम के लिए नहीं, वाक्यों के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जब किसी व्यक्ति किसी महापुरुष के गए हुए कथन या शब्दों को हम वैसा के वैसा ही किसी लेख में लिखते हैं, तो उद्धरण चिन्हों के साथ लिखते हैं, उससे हमें पता चलता है कि यह वाक्य किसी के द्वारा कहे गए हैं, उद्धरण उद्धरित किए गए हैं। अब बात करते हैं लाघव चिन्ह की। लाघव चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, जब विशेष रूप से हम किसी का संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, जैसे कि डॉक्टर है, अब उनका नाम हमें लिखना है, यहाँ हम डॉक्टर शब्द पूरा ना लिखकर डॉट लगा देते हैं, तो यही डॉट यही बिंदी लाघव चिन्ह कहलाती है। इस ड के पीछे ये बिंदी लगाने का तात्पर्य है कि यह शब्द हमने लिखा है डॉक्टर। इसके अलावा कई बार हम अपनी उपाधियों यानी डिग्रीज को लिखने के लिए भी इन लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा कि मेरा मित्र बीए पास कर चुका है, क्या पास कर चुका है, बीए, तो यहाँ पर बीए डिग्री है उसकी, बैचलर ऑफ आर्ट्स जो इंग्लिश में कहा जा रहा है, तो हम उसको क्या लिख रहे हैं, बीए संक्षिप्त रूप में। तो ये बी के बाद और ए के बाद डॉट लगा देने से, इस चिन्ह को लगाओ बिंदी को लगा देने से पता पड़ रहा है कि ये संक्षिप्त रूप है, इस शब्द का ये संक्षिप्त रूप है। तो लाघव चिन्ह का बात मतलब हुआ किसी भी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। और अंत में हम देखेंगे उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह का तात्पर्य होता है जब एक शब्द या किसी शीर्षक को हम लिख रहे होते हैं, लेकिन हमें उसे टुकड़ों में बांटना है, हमें लगता है कि वो एक ही शब्द नहीं है बल्कि वो उसका हिस्सा है, तो हम वहाँ पर विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि हमने कहा विज्ञान, वरदान या अभिशाप। अब ये मैंने एक शीर्षक दिया है निबंध लिखने के लिए, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है मैं विज्ञान के बारे में लोगों को निबंध लिखने के लिए बोल तो रही हूँ, लेकिन वहां पर मैंने ये जानना चाह रहा है कि वो वरदान या अभिशाप। तो विज्ञान वरदान या अभिशाप एक साथ ना लिखकर विज्ञान के बारे में आपको विचार व्यक्त करना है दो बातों पर, किस पर, वरदान पर या फिर अभिशाप पर, दोनों में से वह किसका रूप है। तो उस जगह वहां पर हमने इस शब्द को तोड़ने के लिए इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं कि विराम चिन्ह हमारी भाषा के तात्पर्य को, उसकी प्रस्तुति को, उसके आशय को स्पष्ट रूप से प्रकट करने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते समय हमें बड़ा ही सजग रहना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी भाषा को सरल, स्पष्ट और सटीक बनाते हैं। तो अब हमें यहाँ करना क्या है, ये जो 10 प्रकार के विराम चिन्ह आपको यहाँ लिखे गए हैं बोर्ड पर, तो इन सारे 10 विराम चिन्हों को आपको लिखना है और हर एक विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाना है, स्वयं एक एक वाक्य बनाना है।
और साथ ही जब आप भाषा में जब भी किसी पुस्तक को उठाएंगे और पढ़ेंगे तो उसमें आने वाले विराम चिन्हों को देखते हुए ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। यानी कि अगर किसी वाक्य में आप देख रहे हैं जिसमें बोधक चिन्ह लगा हुआ है तो पढ़ते समय वैसे ही भाषा में प्रवाह होना चाहिए। जैसे कि एक साधारण वाक्य है, मीना ने देखा कि कमरे का कांच खुला हुआ है और उसने देखा वहां पर एक चिड़िया का बच्चा। वो देखा कि वो ऊपर से नीचे गिर गया और उसके कारण। तो जब वो पढ़ रही है तो वह क्या देखती है, क्या देखती है? तो बात आश्चर्य। तो वैसे ही भाव के साथ आपकी भाषा में उतार चढ़ाव आना ही चाहिए। तो यही अभ्यास आप वाचन में भी कीजिएगा और इन सारे 10 विराम चिन्हों के वाक्य बनाइए, इनका अभ्यास कीजिए और आपके ग्रामर आपके व्याकरण की पुस्तक के अंत में इनकी भी सूची भी दी गई है। तो एक बार अभ्यास कीजिए और अगर कोई डाउट होता है तो वो डाउट हम आपकी अगली कक्षाओं में पूरा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप अभ्यास कीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए।